itu manusia jiwa jahat. Ye कुत्ता सुअर कैसे परिश्रम करने के लिए नहीं है ये जीवन जो है तपो तपो दिग्बम तपस्या करने दैट इज वैदिक सिविलाइजेशन हम लोग देख रहे हैं कि बड़े बड़े ऋषि राजर्षि सब तपस्या कर एक राजा भरत महाराज के पुत्र नाम रंती देव और राजा होते हुए भी बहुत तपस्या करते थे कोई अगर उनको भोजन भेज दे तभी वो उसको खाते थे और नहीं तो उपवास करते खाली अकेले नहीं होल फैमिली तपस्वी फिर भी ऐसा 48 दिन बिना खाए हुए रहते रहे उसके बाद कुछ भोजन मिला तो एक ब्राह्मण आ गया तो उसको आधा दिया फिर एक शूद्र आ गया उसका आधा ऐसा करते करते कुछ नहीं रह गया They become very weak and feeble, the whole family. ऐसा ऐसा हमारा भारतीय इतिहास में है इसलिए उस समय राजा लोग भी बहुत तपस्वी होते थे और उनके लिए ये भगवत तत्व ज्ञान सिखाया जाता भगवत गीता में है भगवान खुद कह रहे हैं इमंग राजा ऋषयो विदुः इमं विवस्वती युगं प्रत्वान अहमव्ययम योषान मनोविप्राह मनु इच्छा करो तो भगवत ज्ञान साधारण के लिए नहीं है जो लीडर है जो नेता है जो राजा है जो प्रजा को रक्षा करने के रक्षा करते हैं उनके लिए सब है वो सब नहीं है सो कॉल्ड स्कॉलर्स एंड पॉलिटिशियंस देते भगवत गीता वो कदर्थ करते हैं बाकी भगवत ज्ञान भगवत तत्व ज्ञान जो श्रेष्ठ है उनके लिए जद जद आचरति श्रेष्ठ तत्तदेव इतरे जना श्रेष्ठ भक्ति श्रेष्ठ व्यक्ति यदि भगवत तत्व ज्ञान लाभ करे तो उनका आचरण देख करके उनका विचार देख करके उनको व्यवहार देख करके आ सब जगह नीचे दर्जे का है वो भी आचरण का तो सब आइडिया है नहीं बाकी है मनुष्य जीवन जो है वो तपस्या ये सिद्धांत मनुष्य जीवन केवल गधा और सुअर कुत्ता और ऊंट ये सब जानवर का नाम दिया है सभी बराहा उस तक करी समस्त पुरुष और पशु इफ यू कीप द पॉपुलेशन टू लेगेड एनिमल्स देन हाउ दैट कैन बी पीस हाउ दैट कैन बी अटेनमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ लाइफ पहले श्लोक में ऋषभ ने बताया जो तपोदिग्बम पुत्र का दिन और सत्ता शुद्धे सत्ता को शुद्ध करना चाहिए यही मनुष्य जीवन का काम है अर्थात ब्रह्म जिज्ञास ब्रह्म ज्ञान लाभ करके अपना जो परिचय है हम ब्रह्मास्मि एक ज्ञान ज्ञान को लाभ करना चाहिए ये मनुष्य जीवन है तपो दिब्बम 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 का अर्थ होता है भगवान ट्रांसेंडेंट तपो उसलिए तपस्या करनी चाहिए नहीं तो तपस्या तो सभी करते हैं जो रुपया कमाते हैं और भोग चाहते हैं वो भी तपस्या करते हैं बहुत परिश्रम करते हैं शास्त्र में कहते हैं तपो दिव्यम भगवत ज्ञान लाभ करने के लिए तपस्या की हिरण्यकशिपु ने बहुत तपस्या किया था पर किसके लिए वो चाहते थे जब हम अमर हो जाए ये असंभव है जो चीज असंभव है उसके लिए ज्यादा परिश्रम करते तपस्या की कुछ लाभ नहीं वो संभव नहीं बाकी यदि हम लोग भगवान को प्राप्त करने के लिए तपस्या करें वो सफल होगा में से निर्देश है तस्व हेता प्रगति को विद न लभते जग भ्रमताम उपर मनुष्य जीवन में उस चीज को लाभ करने के लिए तपस्या करनी चाहिए जो कि पूर्व जीवन में अनेक जन्म जन्मांतर हम भ्रमण करते हुए भी मिला है ये जो भौतिक जीवन है कभी उच्च कोटि देवता
उनका घर में जन्म होता है और कभी सुअर का घर में जन्म होता है, ये चलता है। ऊपर जधा ऊपरी अधा, तो ऊर्धम गच्छन्ति सत्वस्वा, यदि आप सतगुण में रह करके तपस्या करेंगे तो आपको ऊर्ध्व लोक में स्थान मिलेगा, और मध्य तिष्ठन्ति राजसा, रजगुण में प्रभावित होकर के तो यही भूलोक आदि में रहेंगे, और जघन्य गुण वृत्ति से अधो गच्छन्ति। और यदि वृत्ति को तमोगुण में लगा करके उसके लिए भी तपस्या करने होता है, जैसा मांस मछली शराब इसको भी प्राप्त करने के लिए, विशेष करके आजकल युग में वो भी एक तपस्या है, बहुत रुपया कमाने पड़ता है, तो अधो गच्छन्ति काम होता है, तो अधो अधोपादित हो जाते हैं, पशु जीवन मिल जाता है, इस प्रकार चालू है। मृत्यु संसार वर्तमान, अगर भगवान को प्राप्त नहीं किया दो ही रास्ता है, ये मनुष्य जीवन में आपको जो चांस है, हमको जो चांस दिया जाता है कि ये जो कान है ये भगवान दिया है, क्यों, ये श्रवण करने के लिए जो जीवन का उद्देश्य किया है, और कुत्ता का भी कान है, बाकी वो भगवत गीता का जो उपदेश है वो श्रवण नहीं कर सकता। इसलिए मनुष्य जीवन वो कुत्ता भेड़ी सुअर का ऐसा न करके ये कान जो है श्रुति गोचर, श्रुति जो वेदादि शास्त्र है उसको श्रवण करना चाहिए, और भक्ति जीवन यही है, श्रवणम बिगिनिंग, बिगिनिंग इज श्रवणम, श्रवणम कीर्तनम, और जो ठीक ठीक सुना है वो फिर कीर्तन करें। ऐसे आध्यात्मिक ज्ञान भगवत ज्ञान ऐसी है कि अगर कोई ठीक ठीक सुना होगा तो वो फिर उसको दूसरे को सुनाएगा, ये उचित, ये नहीं है हम सुन लिया और हम हजम कर लिया, नहीं। परोपकार, चैतन्य महाप्रभु का ये मिशन है, भारत भूमि से मनुष्य जन्म है जा जन्म सार्थक करी करो परोपकार, ये भारत भूमि मिशन है। पहले आप सुनिए, सुन करके अपना जीवन को ठीक से बनाएंगे, फिर उसको सुनाएंगे दूसरे, ये भारत भूमि का कर्तव्य है। जन्म सार्थक करी, अब कुछ सुना ही नहीं, मन माफी सब प्लान बनाया और लीडर हो गया, उसमें क्या लाभ, कुछ नहीं होगा। अंधा तथा अंधी रूपणीय माना, खुद अंधा रह गया और दूसरे अंध को वो लीडर बन गया, तो क्या लीड करे, वो दोनों जहन्नम में जाएगा, ये नहीं। सुनिए श्रवणम कीर्तनम विष्णु, किस विषय में, विष्णु, ये नहीं बताया जो, और कुछ सुनिए, सुनने का तो बहुत चीज है, बाकी बहुत चीज किसके लिए है, अपश्यताम आत्मतत्तम गृहेषु गृहनिधिना। ये सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को प्रश्न में जवाब दिया था, महाराज हे ब्राह्मण सुखदेव गोस्वामी, अब तो हमारा मरने का टाइम है, अब बोलिए क्या हमारा कर्तव्य है, क्या सुनना चाहिए, तो आप थोड़ा बताइए। बहुत मुनि ऋषि उधर उपस्थित है, एक एक अपना अपना सब मत दिया, भगवान की कृपा से सुखदेव गोस्वामी उधर पहुंच गया, उनका पिताजी भी वो सभा में मौजूद है, बल्कि महाराज परीक्षित सुखदेव गोस्वामी को पूछा, महाराज आप बोलिए कि हमारा क्या कर्तव्य है, क्या सुनना चाहिए, क्योंकि ये वैदिक सभ्यता है, सुनना चाहिए। तद विज्ञानार्थम गुरु में वह अभिगत है, जो गुरु का पास जाओ और सुनो, श्रुति गोचर सुनना चाहिए। तो जवाब में सुखदेव को समझ बताया था, तो महाराज सुनने के लिए तो एक ही वस्तु है, तो ज्ञान सहस्राणी, कहते हैं महाराज सुनने के लिए तो हजारों चीज, किसके लिए, न अपश्यता आत्मतत्तम गृहेषु गृहमेधिना, श्रोतव्यादि निराजेन्द्र निरान शांति सहस्र। अब देखिए सुनने के लिए सवेरे आप लोग जाहिर खबर न्यूज पेपर
कितना सब्जेक्ट मैटर है सुनने के लिए, क्यों किसके लिए है? आप सदात्मतत्तम गृहेशु गृहमेधिनः, जो कि गृहमेधी है और आत्मतत्व का विषय कुछ ज्ञान नहीं है, उसके लिए अनेक विषय श्रवण करने के लिए है। तो तुम व्यादिनी राजेंद्र निलान संति सहस्य, और जो आत्मतत्व ज्ञानी है उसके लिए एक ही विषय सुनने के लिए है, अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा। सुखदेव गोस्वामी बताया हमारा सुनने के लिए तो बहुत चीज है, बाकी आपके लिए एक ही चीज है भगवत विषय श्रवण के लिए। Na chao se yo.